हेयर बैंड बोलते हैं, हेयर बैंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एक्चुअली बहुत कम लोग मानते हैं कि हेयर बैंड्स शॉर्ट हेयर लोगों के लिए भी हैं. तो अभी अभी जब मैंने मैं टोसा के अंदर आई और मैंने ये देखा और मैं ट्राई करना चाहा तो लोगों का हाँ शॉर्ट हेयर के साथ भी अच्छा लगता है. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हेयर बैंड. ये हमारे जो एक्सेसरी डिज़ाइनर आज शोकेस कर रहे हैं दीपा गुरनानी, वो मांग टीका करते हैं, हेयर एक्सेसरीज भी करते हैं. तो I just tried one on, it's looking quite nice. Actually, main yahan aayi hu for my dear friend Rajat Tangri, who is a wonderful designer. Unke sare kapde yahan pe hain. And I wear a lot of him and I love his sensibility. So, unke liye main aayi hu. Today, unfortunately, I'm not wearing a dress of his. Any particular reason? Just because... Because the dress needed too much of an alteration. Oh. Otherwise, I would have worn something else. Okay, Mandira ji, शादी का सीजन भी चल रहा है और अब ढेर सारे अवार्ड सीजन भी स्टार्ट होने वाले हैं. हम आपको देखेंगे इस तरह से ब्यूटीफुल अटायर में. मैं ऐसे ब्यूटीफुल अटायर पहनती रहती हूँ फॉर डिफरेंट इवेंट्स दैट आई डू. मैं शोज होस्ट भी करती हूँ और सीजन जो चल रहा है बहुत ही बिजी सीजन है. इनफैक्ट आज टुडे इज़ माई लास्ट डे ऑफ छुट्टी. कल से मेरा ट्रैवल शुरू होगा. मैं बैंगलोर जा रही हूँ. मैं मेरा अभी त्रिची का प्लान कैंसिल हो गया, पर मैं बैंगलोर जा रही हूँ, मैं जयपुर जा रही हूँ, मैं दो इवेंट्स बॉम्बे में कर रही हूँ. तो ये इवेंट सीजन है. सो यस, आई विल बी वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स लाइक दिस एंड टिल आई लीव फॉर माय हॉलीडे. मैं अपनी छुट्टी के लिए जा रही हूँ 24 रात को. उस दिन तक, उस रात तक आई एम वर्किंग एवरी डे. और 2017 में जैसा कि आपने बताया आप ढेर सारे, अगर आप मुझसे रेजोल्यूशन पूछेंगे, मेरे पास कोई रेजोल्यूशन नहीं क्योंकि मैं बनाते रहती हूँ और तोड़ते रहती हूँ. तो आई डोंट मेक रेजोल्यूशंस एनीमोर. बट यस, आई हैव गॉट अ गुड रन अहेड. एक तमिल फिल्म है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ इन जनवरी फरवरी, और एक हिंदी फिल्म मैं शुरू करने वाली हूँ विद के मेनन इन जैन. तो बहुत कुछ शुरू हो रहा है मेरे लिए. इट्स बीन अ गुड ईयर फॉर मी एंड इट्स अ गुड ईयर आई इमेजिन कमिंग. कोई क्रिसमस प्लान भी होने वाला है आपका? जी, क्रिसमस मैं अपने बेटे को एक छुट्टी के लिए, मेरे हस्बैंड और मैं अपने बेटे को छुट्टी के लिए लेकर जा रहे हैं. हम पटाया जा रहे हैं, मकाओ और हांगकांग डिज्नी. बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, 10 दिन और बहुत सारा ट्रैवल. जी चलिए, आपकी ट्रैवलिंग के लिए विश ऑल द बेस्ट. बहुत ही ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट्स रजत टंगरीज. यस, आउटफिट. यस, आई थिंक दिस इज अ गाउन. दिस इज अ गाउन. यस, दिस इज एन इवनिंग गाउन. लेकिन जो ये आप, आई थिंक इतना कैजुअल है जो आप ब्रंच में भी पहन सकते हैं, अगर आप सनसेट टाइम में जो जाते हैं तब भी पहन सकते हैं, वेडिंग में भी पहन सकते हैं, क्रिसमस में भी पहन सकते हैं, न्यू ईयर में भी पहन सकते हैं. सो दिस इज लाइक एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. मतलब ओवर द टॉप नहीं है, जिसमें आप अगर डांस भी खुल के करना चाहें तो डांस भी कर सकते हैं. बहुत सारे कलेक्शन है रजत जी के. विच वन यू लाइक और क्या परचेस करना चाहेंगे आज की शाम या अभी तक मैंने देखा नहीं ढंग से, बट आई वुड लाइक टू सी सम. आई लाइक दिस कलर. यस, आई थिंक आई डोंट नो, लेट्स सी. मैं आई लुक अराउंड एंड देन सी जो भी मुझे अच्छा लगेगा. राइट नाउ तो मैं जो पहनी हूँ मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है. सो मैं ये कोशिश करूँगी इसको उनको बोलने की कि मुझे दे देंगे. जी, आई विश. क्रिसमस की बात की आपने, और तो क्या कुछ प्लान होने वाला है न्यू ईयर में? यस, क्रिसमस डेफिनेटली. अभी मैं फ़िलहाल बहुत टाइम बाद फैमिली के साथ, फैमिली लोग यहीं पर हैं तो मैं शायद उनके साथ ही स्पेंड करूँगी. एंड क्रिसमस में भी शायद फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी होगी. एंड न्यू ईयर्स आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट with my family this time. Yes. कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन प्लान किया आपने कि ऐसा कुछ? वेल, रेजोल्यूशन एज सच मे बी टू बी मोर डिसिप्लिन एंड वर्क हार्डर. यस, दैट्स माय रेजोल्यूशन दिस टाइम. हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी कर रही हैं और नाम शबाना भी. तो कुछ क्या, कितने एक्साइटेड है नाम शबाना एंड ऑल्सो हॉलीवुड की? यस, नाम शबाना में तो मेरा बहुत छोटा सा कैमियो है बिकॉज वो बेबी का प्रीक्वल है. सो आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट हॉलीवुड जो फिल्म है उसमें शबाना मैम का एक यंगर वर्जन प्ले कर रही हूँ. सो उसके लिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स शबाना मैम्स यंगर वर्जन. सो वो भी बहुत जल्द आने वाली है. सो या, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हम क्या ऐसा मानें कि मधुरमा जी प्रियंका चोपड़ा जी से इंस्पायर्ड है या एज़ यू विश? एब्सोल्युटली, आई थिंक शी इज
amazing. She's just brilliant. She's at a good at her job, and she's being a brand ambassador of so many things. So I think मुझे उनको देख के definitely मैं बहुत inspired हूँ, and I would like to be do more Hollywood projects like her. Definitely, yes. क्योंकि हॉलीवुड की बात हुई तो हम आपके फेवरेट हॉलीवुड एक्टर और फीमेल फीमेल जानना चाहते हैं. आई थिंक जेनिफर लॉरेंस राइट नाउ इज क्वाइट बिग नेम, एंड उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, दैट्स व्हाई शी इज सच अ बिग नेम. एंड मेल में आई लाइक लियोनार्डो, ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी. लाइन है लंबी लाइन. आई विश कि आप एक दिन इन सभी लोगों के साथ में काम करेंगे. थैंक यू सो मच. ओके रजत जी से स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. हिंदी इंग्लिश? हिंदी. अच्छा मिक्स चलेगा मेरा तो. थैंक यू सो मच. कलेक्शन देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे गेस्ट भी आपके यहाँ पर आ जाए हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि लाइक इट्स अ गुड नाइट. आई मीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यू नो फैमिली हैव कम, एंड लाइक यू नो हीज फैमिली टू मी एंड दे आर फैमिली टू मी, सो लाइक यू नो सो देव कम टू सपोर्ट, एंड या इट सीम्स लाइक अ रियली गुड नाइट. नीरज जी, आपको किस तरह के कपड़े पसंद हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आई नो कि यहाँ पे रजत जी के फीमेल कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा, बट आपको किस तरह के पसंद हैं? मैंने हमेशा ये बोला है, मेरे फिलॉसफी है लेस इज मोर. जो जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है ना किसी गारमेंट के ऊपर, और तो दैट आई समवेयर लूज इंटरेस्ट. सो आई एम मोर ऑफ अ पर्सन वेयर इट हैज़ टू बी अ क्लीन फिनिशिंग एंड हैज़ टू बी समथिंग व्हिच इज़ नाइस एंड सटल एंड क्रिस्प. जी दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी हमें ज्वेलरी भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है. मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल कि टोसा गेव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विद रजत. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दे बीन वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव, सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. थैंक यू. एंड नीरज जी, आपका अगर हम देखें लैक्मी फैशन वीक भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान हमें देखने को मिलेगा, कुछ स्पेशल देखेंगे? लैक्मी फैशन वीक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे सिर्फ एक फैशन शो नहीं होता है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस, अपकमिंग डिज़ाइनर्स, इमर्जिंग जेन नेक्स्ट जो कैटेगरीज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको इस बार एक बहुत ही एक नए तरीके से पेश किया जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग इज द वेन्यू इज चेंजिंग. Yes. I don't know if I'm allowed to say that. Secret. Okay, Rajat ji, agar main baat karun to aap hum aap Lakme mein dekhenge aapke collection ko? Ye coming season mein nahi, but uske agle season mein definitely, like you know, I'm thinking about it. हमारा जो लास्ट सीजन था लैक्मे सपोर्टेड अस, इट वाज आवर 10 ईयर एनिवर्सरी विद दीपा ग्रनानी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी डिड लैक्मे. इट्स गिवन अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बी हियर एंड यू नो शो एट अतोसा, वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स इन इंडिया, एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल. दीपा, रजत, आई, नीरज विद वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, एंड वी आर सो एक्साइटेड टू बी हियर टुनाइट. थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मुझे जनरली लड़कियों पे पूरी तरह कवर ड्रेस अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई थिंक इंडियन ड्रेसेज लुक रियली गुड, एंड एज आई कैन सी हियर द लॉट ऑफ इंडियन ड्रेसेज, एंड आई रियली थिंक दीज आर वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल ड्रेसेज, एंड आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल लुक अमेजिंग व्हेन दे वेयर दैट. यार मेरा रेजोल्यूशन है कोई ना रेजोल्यूशन लेने का, क्योंकि दुनिया बहुत रेजोल्यूशन लेती है, मैं रेजोल्यूशन ही लूँगा जो भी करूँगा. आई टेक एवरी डे एज अ न्यू ईयर, एवरी यू नो डे एज अ क्रिसमस, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान ने एक और दिन दिया जीने के लिए, तो मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं लूँगा, और बिना रेजोल्यूशन के अपनी ज़िंदगी जीऊँगा वो ज़्यादा आसान होती है. चलिए, 2017 में क्या कुछ करने वाले हैं आप? 2017 में मैं फिल्म कर रहा हूँ. धूम नहीं भाई, दो शायद धूम भी हो जाए, अब तूने बोल ही दिया तो धूम भी कर लेंगे भाई. ठीक है, बस तो यही है. और टेलीविजन पे भी होपफुली 2017 में वापस आऊँगा, तो लेट्स सी. सलमान भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सलमान भाई के साथ ज़रूर. ओके ओके, देसी जी सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं. थैंक यू, ये आपका पेटर्न डायलॉग है ना हमेशा. आई थिंक ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स रजत. करेक्ट. यस यस. तो हमने देखा यहाँ पे ढेरों सारे कलेक्शन है यहाँ जी, आपने भी बहुत ध्यान से देखा, तो क्या कुछ ज़्यादा जो अच्छी बात है कलेक्शन के बारे में कि वो ज़्यादा एफर्टलेस, मतलब मैं कहूँगी एक वर्ड जो कि
ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले गए हैं, सिंपल पीसेज है, एलिगेंट पीसेज है, मतलब आपने मे बी जैसे अभी मैंने पहना हुआ है, सिंपल सी इयर रिंग्स है पर एक हेडबैंड पहन लिया और सिंपल सा आउटफिट है, अच्छी हील्स पहन ली. सो इट्स नॉट अबाउट आप इंट्रिकेट वर्क कितना करते हो या आप कितना काम धाम करते हो एक कपड़े के अंदर. एक एक सिंपल कपड़े को आप एक अच्छा कट दे दो तो अच्छा भी लग सकता है, एज़ यू कैन सी. एंड द मास्टर्स आर हियर, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू, यू नो, स्टाइलिस्ट हो गए आपके, आपके डिज़ाइनर्स हो गए, इट्स बेटर टू लेट देम डू देयर वर्क. हेलो, हाउ आर यू? लेट देम डू देयर वर्क बिकॉज प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि एक एक इंसान को कैसे स्टाइल करना है. सो मैं तो कम्प्लीटली मतलब गिवन कर देती हूँ, आपको जो करना है वो करो. एक्चुअली मेरे हिसाब से कपड़े जो है, जो भी पहनता है उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल और मतलब बॉडी टाइप को हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी है. जैसे इन्होंने कहा स्टाइल इज़ मोर मिनिमलिस्टिक, इट्स मोर कैजुअल, मोर शीक. सो वो मतलब जब वो आप पहने होंगे तो आपका जो जो कॉन्फिडेंस है इट एक्चुअली इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. सो दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आई मीन द स्टाइल इज़ वेरी पर्सनल. सो दीपा जी, हम इयररिंग भी देख रहे हैं और ये हेडबैंड, हां जी, हेयर एक्सेसरी जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है वो. बट आई थिंक बिकॉज़ उन्होंने कहा कि फैशन शुड बी एफर्टलेस, ये बहुत ही एफर्टलेस लुक है एंड इट लुक्स फैबुलस एंड एडिंग दैट एक्सेसरी मेक्स इट लुक इवन, इट मेक्स हर शाइन इवन मोर. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक व्हाट शी इज डन. जी जी जी. एंड अब हम देख रहे हैं कि शादी का भी सीजन चल रहा है, अवार्ड सीजन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम इस तरह के कलेक्शन आपको देखेंगे डेफिनेटली. मतलब मुझसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से डिज़ाइनर्स हैं वो बिजी होने वाले हैं. बिजी होने वाले आप इनके? हाँ, ये एक्चुअली जो है सीज़न टाइम है क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हैं, न्यू ईयर्स हैं. तो मतलब मेरा एक्चुअली इंडियन लाइन तो मैंने अभी चालू किया, मैं वेस्टर्न लाइन ज़्यादा करता तो उसमें तो ऑब्वियसली दिस इज़ माय मेन सीज़न. बट आई वी जस्ट होपिंग बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इतना हिट ना हो, बट यू नो यू माइट सी अ लॉट ऑफ पीसेस ऑन द रेड कार्पेट बाय रजत. मेरी राम रतन फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, अभी लास्ट शेड्यूल चल रहा है. आई थिंक अनदर 10 डेज ऑफ वर्क एंड देन वी आर डन विद द फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. श्रेया जी, सबसे पहले तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज. हाय हाय, हमेशा बोलते हैं कभी तो सच बोला कर. जब आप है नेचुरल ब्यूटीफुल तो बोलना तो पड़ेगा. अच्छा, आगे बोल. आगे तो ये रजत टंगरी के कलेक्शन में हम सभी एक रजत मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मुझे उसके कपड़े बहुत पसंद है. शायद मेरे पास सारे कपड़े उसी के हैं अभी आज. कैजुअल वेयर, आई लव हिज सेंसिबिलिटी, आई लव हिज डिज़ाइंस और ही इज वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. तो मेरे ख्याल तो वो एक अच्छा, वो बहुत आसान हो जाता है उनके साथ काम करना. वो मेरे दोस्त ज़्यादा हैं और उन्हें तंग मैं ज़्यादा करती हूँ. ग्रेट, मतलब दोस्तों पर तंग करना चाहिए. ऑफकोर्स हमने देखा ढेरों सारे कलेक्शन आप बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. हाँ जी, मतलब इनके सारा कलेक्शन मैं देख चुकी हूँ पहले क्योंकि मैं उनकी दोस्त हूँ तो मुझे प्रीव्यू मिलता है. इस कलेक्शन ने खासतौर मुझे उनके कलर्स, उन्होंने बहुत अलग इस्तेमाल करे हैं और इनके कट्स काफ़ी अलग हैं. इनके जो गाउन्स हैं स्पेशली, उन्होंने जो इसमें एम्ब्रॉयडरी करी है काफ़ी एलैबोरेट करी है, बहुत मेहनत से काम करा है इन्होंने, हमेशा ही करते हैं. मगर इस बार यू कैन सी एवरी पीस इज डिफरेंट और ही इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पर इन. सो And I think this one is also Yes, this is Rajat. This is Rajat. It's the most comfortable outfit ever. Abhi, one second. Yeah. Who can do this on red carpet? Tell me. See. Oh, wow. It's not comfortable. Great. See, it's very comfortable. Ye to matlab ajuba. Amazing ho gaya na? Amazing. Woh bhi heels pehni hai dekhne. Heels pehna. Wow, great. See. ऐसे तो मतलब किसी को कराटे में भी आप जीत सकती हैं, मतलब इस तरह का कलेक्शन. ऑफ कोर्स जी. एंड हम देखे श्रेया जी, शादी का सीजन है मेरे सारे रेड कार्पेट. इनफैक्ट इनके कपड़े काफी फेस्टिव हैं, जैसे इनके जो यहाँ पे आते हैं ये दिस वन काफी फेस्टिव है. इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है एंड इनके जो गाउन्स हैं बहुत फेस्टिव हैं एंड काफ़ी वेरेबल हैं. सो आई थिंक इट्स एंड जिनके जो कलर्स इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी फेस्टिव भी हैं, एट द सेम टाइम रेड कार्पेट भी हैं. जैसे अभी हाल ही में जो लक्स अवार्ड हुआ था तो मैंने इनके कपड़े इनके ही पहने थे.
सो इट्स यू नो वो रेड कार्पेट भी है मगर इट्स नाइस, इट्स कोई भी पहन भी सकता है उसे, उनकी खबरों की ये खासियत है। रेड कार्पेट की बात ही देख रहे कि अभी शादी का भी सीजन चलने वाला है और रेड कार्पेट भी ढेर सारे, किस तरह के कलेक्शन हम देखने को देखेंगे हम आपको वेयरिंग? ये तो मुझे नहीं पता, मैं स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं ऑफकोर्स एट लीस्ट वंस मोर आई विल वेयर रजत, आई लव दिस गाउन but I don't know, yeah. Or I can't talk about trend that well. But I think what जो मैं internationally देख रही हूँ, it's more sleek, nice cuts, and I think more simplicity. And हम देख रहे हैं कि Christmas भी आ रहे हैं और New Year भी आ रहे हैं, क्या कुछ resolution करने वाली हैं आप? मैं कुछ resolution नहीं करना चाहती, plan है बस, I want to meet very interesting people, I want to have beautiful memories, और हाँ अच्छी अच्छी मेमोरीज हों, मैं अच्छे लोगों से मिलूं, खुश रहूं और खूब ट्रैवल करूं और अच्छा काम करूं, ऐसा काम करूं कि जिसे आप पसंद करें और बस अनदर वन ब्यूटीफुल ईयर। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में? एक मेरी फिल्म है हिंदी जो कि तड़का उसका नाम है, नाना पाटेकर जी के साथ है, उसे प्रकाश राज ने डायरेक्ट किया है। एक ऐसी लड़की के ऊपर इसे खाना बहुत पसंद है। दूसरी फिल्म है गौतमी बुद्ध सातकर्णी जो कि तेलुगु फिल्म है, जो जनवरी में रिलीज़ हो रही है, उसका ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है। और मेरी तमिल फिल्म है, उसका नाम है AAA, जिसमें शिम्बू हैं, वो 1982 में बेस है। सो दे आर इंटरेस्टिंग फिल्म। इतना सारा काम करती हैं जी, क्यों ना करूँ, करूँगी तो हम इंटरव्यू नहीं लोगे ना। इसके बाद भी आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मतलब इतना सारा। आई लव रजत, एनीथिंग फॉर रजत। इतना सारा कैसे मैनेज करती हैं? आई लव रजत, एनीथिंग फॉर रजत। ओके, फाइनल क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, आई एम वेरी रियली हैप्पी एंड इट वॉज अ गुड ईयर। अच्छा अच्छी फिल्में थी और मुझे बहुत मज़ा आया इन फिल्मों में काम करने में। मैं आशा करती हूँ कि अगले साल मैं और अच्छी अच्छी फिल्में करूँ और बस। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप रजत के कलेक्शन के बारे में? व्हाट डू यू से? तो पहले तो मैं ये शॉप के बारे में कहना चाहूँगी जो है अटोसा, एंड इट बिलोंग्स टू वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं अपनी काफ़ी सारी शॉपिंग यहीं से करती हूँ बिकॉज दे हैव अ रियली वाइड रेंज ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइनर्स। रजत इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक आज रजत ने उनके फेस्टिव कलेक्शन निकाला है, सो इज़ डन सम वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूजन पीसेज, एंड देन ऑफकोर्स गाउन्स विच आर स्टनिंग। एंड अभी मुझे मालूम है नेक्स्ट टाइम अगर मुझे गाउन पहनना है तो मुझे किसे फ़ोन करना पड़ेगा, बट कंग्रेचुलेशंस टू अटोसा, यू नो, बिकॉज वो हमेशा इंटरेस्टिंग डिज़ाइनर्स चूज करते हैं एंड देन फ्रॉम दोज डिज़ाइनर्स दे गेट रियली इंटरेस्टिंग लाइन्स जो हमें बाकी कहीं देखने को नहीं मिलता है। ढेर सारे अवार्ड सीजन भी आ रहे हैं और शादी का सीजन भी चल रहा है, तो हम आपको किस तरह के कलेक्शन में, किस तरह के अटायर में देखेंगे? तो मैं काफ़ी क्लासिक ड्रेसर हूँ, तो शादी होगी तो ऑब्वियसली इंडियन अटायर, नो टू वेज अबाउट इट, एंड इफ इट्स गोइंग टू बी एनी अदर इवेंट देन एनीथिंग, या वेस्टर्न गाउन इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है, या सो इंडियन वेस्टर्न आई गेस। New Year and Christmas is the corner. What's your resolution? What's your plan? Oh God, मेरे पास कोई resolution नहीं है. It's just to be happy and healthy and spend time with जो मेरे करीबी हैं, मेरी family, मेरे friends. That's it. No big resolutions. And 2017 में क्या कुछ plan देखेंगे हम आपको? Any आने वाले project या? नहीं, तो basically अभी मैं काम अलग करती हूँ, so hopefully my work is good. और 2017 में I don't know, maybe I'll start a family. Oh. We'll see. Great. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.